हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अपडेट आप लोगों के लिए है 1155। जी हाँ, आपने सही सुना, 1150 वैकेंसीज है और ये ऑथेंटिक अपडेट है। ये कोई ऐसा नहीं कि बाद में मैं कहूँगा कि फेक है, मत अप्लाई करना। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या है कंप्लीट प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है और फीस भी नहीं है अप्लाई करने की। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं सब कुछ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं, ये अपडेट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स DIC, गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से ये अपडेट है। और यहाँ पे आप में से हर कोई जो फ्रेशर्स है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटे से रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आपके जो दोस्त हैं ना जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन, उनको आप शेयर कर सकते हो। BBTech MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके दोस्तों को आप बता सकते हो। और भी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं फ्रेशर्स के लिए खास करके, तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप BBTech कंप्लीट कर चुके हो या MBA कंप्लीट कर चुके हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो है, इन्होंने इसी के अंदर 1155 वैकेंसीज दी है। प्रायर वर्क एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मांगा हुआ है, होगा तो अच्छा रहेगा। 18 से 30 ईयर्स की एज लिमिट है। अब ये जो है इंटर्नशिप स्कीम के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये जो है इंटर्न एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, मतलब कि आपकी जॉब एक साल के लिए रहेगी। लेकिन उसमें आपको जो पर मंथ जो रिम्यूनरेशन दे रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है, 20,000 फ्रेशर्स के लिए अच्छा है। आपको इसमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको मे बी इसमें कंटिन्यू भी करवाया जा सकता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ये जो है ऑफिशियली कभी नहीं बताते, लेकिन ऐसा हर जगह पे होता है, कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। पैटर्न इन्होंने नहीं बताई हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। यहाँ पे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपके लिए हमने महा टेस्ट पैक लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर 300 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका वर्बल, क्वांट एंड रीजनिंग, ये तीनों के 100-100 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अब ये जो मॉक टेस्ट है वो आपको सिर्फ इस अपडेट में नहीं, हर एक जॉब जो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल पहले यहाँ पे रखा जाता है टेस्ट के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट आपको उसमें हेल्प करेगी। आपको 365 डेज की वैलिडिटी मिल जाएगी, और जब भी मन करे आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा कोई यहाँ पे प्रायर टाइम स्केड्यूल नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से दे सकते हो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, मतलब 249 रुपीज पे रखा हुआ है, जो कि पर टेस्ट अगर आप काउंट करो लेस देन 1 रुपीज होता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड अगर आप एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के प्रिपरेशन करना चाहते हो, फुल लेंथ कोर्स चाहिए, तो उस पर भी ऑफर है, जो कि लिंक मैंने उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है आपका जो है पूरा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। पैटर्न इन्होंने नहीं बताई हुई, कुछ भी नहीं बताया हुआ है। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी मैं आपको डिस्प्ले करके दे देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। एंड केरला वालों के लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया चांस है। एक एग्रीमेंट साइन करना होगा आपको जॉब लेने टाइम, और मोस्टली एक साल का रहेगा, जिसमें ये थोड़ा अपने साथ आपको जो है एक तरीके का बॉन्ड बोल सकते हैं। और आपको जो है अपना डिग्री होना आपके पास जरूरी है, तो अभी जो है फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी 9th February से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट जो है 23rd February है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। सो आराम से अप्लाई कर दीजिए, एंड आपको जो है अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो आपको मेल या फिर इनकी वेबसाइट चेक करते रहना, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। सो जैसे ही आप अप्लाई करने जाते हो ना, तो वहां पे जो है आपका URL बदल जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट cmdkerala.net है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने की साइट थोड़ी चेंज हो जाती है, और आपको अपना मोबाइल नंबर, सारी चीजें बतानी होगी, एज वेल एज प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है उसमें अगर बढ़ जाते हैं, मान लो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स, 1155 वैकेंसी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट या स्क्रीनिंग की जाएगी, मतलब आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, और आपको मे बी टेस्ट के लिए ना भी बुलाया जाए। तो ये हो सकता है इन केस अगर बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं, तो अदरवाइज जो इनका प्रोसेस है उसी के बेसिस पे होगा। सो ये पूरा अपडेट है, एंड आसान सा सिलेक्शन होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। सो प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का हमारा फुल कोर्स है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी बढ़िया ऑफर पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल गई होगी, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भाई अभी कर लो, डेली 6 बजे आपको इस चैनल पर वीडियोस मिल जाती है, तो मिस मत करना, ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज आपके करियर को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना है बस और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।